¡Roberto! Yo hice la que si se va a despegar a la voz y yo hijo de debo ir a por a para la calle y muy chato a ti a ti que pasa con ti और बोला कि ऐसा क्या हुआ फिर जाकर पुतिन बाकी बोले कि मैं राज तक आपको भेज दो मिल जाएगा वो भेज के चले गए फिर कुछ दिनों के बाद कुछ रोज के बाद रही उदीन अहमद साहब के बीवी कुछ औरतों के साथ घर साफ कर रहे थे फिर साड़ी के एक पहने में से कोई टेबल मिले जबकि साड़ियाँ खोल के देख रही है घर का छप्पा छप्पा देख रही है कि नहीं मिला और अब एक साड़ी के तहने में से वो जेवर बरामद हुए ये मेरे आज सरकार का मामला है एक और वाकया बनी है सरकार सही फरमाते हैं कि एक बार आप एक न्याय कर रहे हैं हमारा सरकार के नाके तरीके से फरमाया के जी मेरे पास यहाँ आकर सुन रहे उस वक्त हमारे सरकार के हृदय में बहुत से मुलाकात हुई थी तो आप हमारे सरकार पलटते हैं और अपने मुरीदों को फरमाते हैं कि देखो आज महमूद था उधर मक्की का सरकार का नाम सैयद महमूद अली हुसैनी मक्की है तो हमारे सरकार महमूद था तुम्हारे पता फरमाए कि देखो आज महमूद खाकर हमारी दावत है और वही खाना है मक्की में सरकार पैदल हो गए थे राति बड़ी तैयार नहीं कर रहा खाजा सरकार ने तो वापिस डाल दे तो सोचे कि जल्दी खाजा सरकार आने से पहले कुछ इंतजाम करो लेकिन खाजा सरकार फरमाए कि आप महमूद साहब आप जाओ मैं आप और मैं आपके पीछे आए तो मकीना सरकार अभी पहुंचे थे कि खाजा सरकार अपने मुरीद के साथ आपके स्थान पर आपके पास आए तो रसवान बिछाया गया और शीशा भी बनाया था और सिर्फ कर गया खाजा सरकार थोड़ा चावल जो बनाया गया था अंदाज में वो लिए और अपने पूरे मुरीदी को खाते पेट भर गए पूरे मुरीदी पेट भर के खाए चल गए खाने सरकार बोले कि आपका जनाना खाए जनाने चल गए तो जनाना आया जनाना खाया जनाना भी चल गया खाने सरकार थोड़ा थोड़ा ले लेते हुए मुलायदा फरमाते गए उसके बाद खाने सरकार अपनी मियाँ सरकार से पूछते हैं कि किसा बाकी तो मदीना सरकार जाके देख के आते हैं और अर्ज करते हैं कि ठीक है एकदम का काफी तो खाजा सरकार फरमाते हैं कि बाहर जाके देखो या कोई बच गया था तो जाके देखते हैं तो एक ही भाई पहले बच गए तो मदीना सरकार आके अर्ज करते हैं कि एक ही भाई बाहर पहले बच गए उनको नहीं मिला तो खाजा सरकार फरमाते हैं कि हाँ वो उन्हीं का हिस्सा है ऐसे सलामत खाजा सरकार ने एक नमूना जैसा बताया वैसे तो किताबें भरी पड़ी है खाजा सरकार के करामतों की और जो लिखी गई है वो बहुत कम है खाजा सरकार ने हमें जो तालीमात की गई उसने कुछ चीज़ें जो खाजा सरकार ने बहुत अहमियत दी उनमें से एक है कि बेकार लोगों के साथ उठना बैठना कि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो बहुत का खराबी है वो खाजा सरकार ने मना कर है और इसके बारे में सुन्नत पे खाजा सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि सुन्नत पर अमल करो बुजुर्गों ने फरमाया कि सुनना एक कमाल करामत नहीं एक बड़ी जरूरत है पानी पे चलना एक करामत
सुन्नत पर अमल करते हैं। कुरान शरीफ में भी, कुरान शरीफ में भी है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। कमाल ये है कि एक इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत पर अमल करे। एक और सारी बात हाजर सरकार ने जो हमें सिखाई वो शेख का तस्वुर है, जो हमारा शेख है उसका तस्वुर करना। हाजर सरकार ने इसे इतना अहमियत बताया कि हाजर सरकार फरमाते हैं तस्वुर शेख अल्लाह से मिलने का करीब रखता है। और जब आपके तस्वुर में हमेशा शेख रहता है तो शैतान भी आपको भटका नहीं सकता। एक सुई के लिए तस्वुर शेख बहुत जरूरी है। अब एक और एक सारी बात जो काजल सरकार ने हमें बताई वो पाते अंसार पे ध्यान रखो। हर हमारी सांस पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। हर दिल की धड़कन रब रब करे। हर हमारी आने वाली सांस अल्लाह अल्लाह करे। बुजुर्गों ने फरमाया कि पासे अंसाज से कश बहुत जल्दी खुल जाता है। हमारे हर रब रब करे और हर काम आने वाली अताऊ करे। इस पर भी हाजर सरकार ने बहुत तवज्जो दी। और पासे अनुपात से कल आईना बन जाता है। और के बारे में आदर सरकार फरमाए के अगर
Thank you.